तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं यूट्यूबर सविता, आप सबको मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लाइव में एक नया वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है, मेरे पास एक चिड़िया के लिए घर है, आप देख ही सकते हैं। पर मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है कि वो ऐसे करके अपनी चिड़िया को छोटे घर में रख देते हैं, और उनको बहुत छोटी जगह होती है उड़ने के लिए। उनको भी थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है उनको उड़ने के लिए। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने भी एक घर बनाया है उनके लिए, ताकि वो ऐसे करके आराम से उड़ सके। अंदर आके देखिए। सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे छोटी चिड़िया रहती है, और यहाँ पे वो उड़, यहाँ पे जो हमारे पास चिड़िया है वहाँ पे वो उड़ते हैं आपके हमारे पहले। और यहाँ पे उनके लिए खाना रखा होता है ताकि वो खा सके, और यहाँ पे भी खाना रखा हुआ है, और यहाँ पे उनका घर है, और यहाँ पे थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, और यहाँ पे उनका छोटा सा घर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा घर है। और आप देख ही सकते हैं, आप भी ऐसे करके चिड़ियों के लिए बड़ा रूम बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी चिड़िया है, आप ऐसे ऐसे रखते हैं आपको पेट जैसे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पर्दे लगाया है ताकि जब भी ज़्यादा ठंड हो तो चिड़ी को ठंडी ना लगे। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे उनके लिए पानी रखा है ताकि वो कभी भी पी सके, और यहाँ पे घास रखी हुई है, और यहाँ पे एक और छोटा घर बनाया रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना कर दिए, और मेरे वीडियो में बैठ नंबर थ्री। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे छोटी चिड़िया थी जो अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं थोड़ी, और जो दो चिड़िया येलो है, और दो चिड़िया ग्रीन। आपने देखा ही है, वहाँ पे जो पहले छोटे बच्चे थे, अब वो बड़े बन गए, अब वो ऐसे दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।